सो हे गाइस नमस्कार, मेरा नाम है अनीश रॉय। तो यार कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस फ्लैगशिप फोन्स में तो अभी एंड्रॉइड 13 हर एक फोन में ही देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल तो, ठीक है, रोल आउट होना स्टार्ट हो भी गया है। किसी में बीटा आ रहा है, किसी में स्टेबल आ रहा है, लेकिन सैमसंग का जो मिड रेंज फोन है जैसे कि A53, A73, फिर A33 5G, इनमें जो है एंड्रॉइड 13 का एकदम स्टेबल अपडेट आना चालू हो चुका है, जो कि भाई आज मैं बात करूंगा, मेरे को मिल चुका है A53 में और A73 में। तो गाइस मैं बताऊंगा कि क्या कुछ वन यू आई 5 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 में देखने को मिलता है, क्या कुछ नया चेंजेस, क्या कुछ फिक्सेस, क्या कुछ नया यूआई चेंजेस, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। और यहाँ पे फीचर्स वगैरह कुछ देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है वो भी मैं बताऊंगा जिसकी वीडियो में। सो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो, यही तो टाइम है। वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको हरा, पीला, नीला, गीला जो भी करना है पीला तक कर देना। मैं बात करूंगा वन यू आई 5 में क्या कुछ नया चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है, क्या ये अपडेट आपको करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए क्योंकि भाई एंड्रॉइड 13 है। तो गाइस इसमें क्या कुछ चेंजेस है वो सब कुछ मैं बताऊंगा और कैसा देखने को लगता है, ठीक है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा जिस वीडियो में। सो गाइस मेरा नाम है अनीश रॉय, यू आर ऑलरेडी वॉचिंग टेक्नो प्रभु। क्या भाई शुरू करते ना। सो गाइस सबसे पहला चेंज जो कि भाई इस एंड्रॉइड 13 में देखने को मिलता है वो है इसका आइकन पैक, जो कि भाई वन यूआई के 4.1 या फिर 4 वर्जन में जो देखने को मिलता था वो वाला एकदम ही रिडिजाइन होकर थोड़ा सा आइकन में बदलाव आया है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई एकदम ही आइकन वगैरह चेंज किया गया है, कुछ कुछ आइकन जैसे डायलर वगैरह हो गया, फिर मैसेजिंग वगैरह और कुछ कुछ ऐप जो कि भाई सैमसंग के वन यूआई में आता है वो सब कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है, आइकन वगैरह, ठीक है, आइकन पैक ही चेंज हुआ है, ना ही ऐप के अंदर वाला इंटरफेस। शायद ही सब कुछ अलग अलग से अपडेट करना पड़े, लेकिन भाई मैंने अपडेट वगैरह नहीं किया, मैंने एकदम ही जब एंड्रॉइड 13 आ चुका था मैंने तभी इसको इंस्टॉल कर लिया था। सो बस आइकन वगैरह में उतना ज्यादा खास चेंज तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन भाई थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे कि अगर आपको अपडेट वगैरह करोगे आपको थोड़ा सा फील होगा कि भाई कुछ चेंजेस तो है। तो गाइस ये आपको चेंज देखने मिलता है एंड्रॉइड 13 में वन यूआई 5 में, जो कि भाई सैमसंग के डिवाइसेस में ही आता है। और यहाँ पे ये जो बिल्ड है जो कि भाई एकदम स्टेबल बिल्ड है और एकदम स्टेबल अपडेट है मैं कहूंगा। तो गाइस बीटा आप लोगों को पता ही है सैमसंग के फोन्स में नहीं आता, लेकिन भाई जो स्टेबल वर्जन है बहुत ही कमाल का स्टेबल वर्जन है। और ये एंड्रॉइड 13 जो है मैंने कस्टम रोम्स में ट्राई किया है, पिक्सल डिवाइस में ट्राई किया है, लेकिन भाई इतना स्मूथनेस मेरे को अभी तक किसी भी डिवाइसेस में देखने को नहीं मिला। ये एंड्रॉइड 13 जो है धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा अच्छा होता जा रहा है और वन यूआई में तो ऑब्वियसली एकदम खतरनाक परफॉर्म कर रहा है वन यूआई में तो। सो गाइस बात करूं नेक्स्ट फीचर की। सो गाइस नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे, जैसे आप रिसेंट में जाओगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर में एक छोटा सा करके एक लाइन करके कुछ लिखा आया है, इसमें जैसे टैप करोगे यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड में जो जो ऐप चलते रहते हैं जैसे कि फालतू बैटरी ड्रेन करते हैं उनको आप यहाँ पे स्टॉप डायरेक्ट कर सकते हो, उनका जो पूरा प्रोसेस है उसको पूरा वहां से किल कर सकते हो, पूरा खत्म कर सकते हो। ये फीचर आपको एंड्रॉइड 13 में देखने को मिलता है, जो कि भाई अभी वन यूआई में भी आ चुका है, ठीक है, वन यूआई 5.0 में। और बाकी छोटे मोटे चेंजेस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बायोमेट्रिक्स में, जैसे आप कोई भी सिक्योरिटी वगैरह है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई आपका फोन फुली सिक्योर है कि नहीं है, यहाँ पे एकदम ही फुल बता देगा कि भाई कौन सा अभी बाकी है, पेंडिंग है, आप कैसे अपने फोन को और भी ज्यादा सिक्योर रख सकते हो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऑप्शन में। तो गाइस और एक फीचर की बात करें जो कि भाई आप देख सकते हो यहाँ पे एडवांस फीचर्स में आपको वीडियो कॉल इफेक्ट देखने को मिलता है, इसमें जैसे टैप करोगे आपको यहाँ पे वीडियो कॉल इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि भाई आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर आप चेंज वगैरह कर सकते हो, आपको कौन सा कलर चाहिए बैकग्राउंड में, अगर आप कोई भी वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो देन आप यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह चूज कर सकते हो, ठीक है, अपने मन के हिसाब से। और अगर यहाँ पे हम बात करें मोशन एंड जेस्टर्स की, और यहाँ पे जितने सारे जो है सेटिंग्स है वो सब कुछ पुराने देखने को मिलते हैं, या सच यहाँ पे और कुछ नया फीचर्स देखने को नहीं मिलता। और एक चीज भाई वन यूआई का सबसे स्पेशल चीज है जो कि डिवाइस केयर, यहाँ पे आपको आपके डिवाइस के हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी चीज है सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, रैम कितना जीबी में कितना जीबी फ्री है, ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज कितना जीबी में कितना जीबी फ्री है वो सब कुछ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और ये भाई ये पहला एंड्रॉइड 13 अपडेट है जो कि भाई यहाँ पे रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है हमारे कुछ सैमसंग की डिवाइसेस में, शायद A33 5G में भी देखने को मिल जाए, लेकिन क्योंकि मेरे पास A33 5G नहीं है तो गाइस इसीलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन भाई ये दोनों के लिए कंफर्म आप सभी के लिए आ ही जाएगा। आप सिंपली अपडेट्स वाले जगह में जाकर चेक कर सकते हो कि भाई अपडेट आएगा नहीं है, डेफिनेटली आ ही जाएगा एक्चुअली में, लेकिन फिर भी भाई आप एक बार चेक करके देख सकते हो। यहाँ पे क्विक सेटिंग्स का कुछ चीजें चेंज, छोटे मोटे यूआई चेंजेस वो सब कुछ यहाँ पे इस वन यूआई के अपडेट में देखने को मिलेगा। जो बॉक्सी बॉक्सी डिजाइन है वो क्विक सेटिंग्स में आपको देखने को मिलता है ऑब्वियसली, ठीक है, वो यहाँ पे आपको इस एंड्रॉइड 13 के इस बिल में भी इंप्लीमेंट किया गया है, जो कि भाई बहुत ही अच्छी बात है।
यहाँ पे अबाउट फोन की बात करें, आप देख सकते हो यहाँ पे अबाउट फोन में यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A73 5G अपना मॉडल का नाम और अपना मॉडल का जो फोन है वो भी वहाँ पे आपको ऊपर में दिख जाएगा, फोन का फोटो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज दिया गया है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग अपने फोन को देख के भी भूल जाते हैं कि भाई ये अपना फोन है, ठीक है। उसका कलर भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, ऐसी बात नहीं कि भाई सिर्फ मॉडल का फोटो दिखाई दे रहा है, इसमें कलर भी दिखाई देगा आप कौन सा कलर यूज कर रहे हो। और भाई यहाँ पे नॉक्स वगैरह अपडेट कर दिया गया है, यहाँ पे सिक्योरिटी पैच वगैरह अपडेट और यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल की अपडेट्स है, जो कि भाई प्राइवेसी सेंट्रिक है वो भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और भाई बहुत ही तगड़ा फीचर सैमसंग की डिवाइसेस में अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन भाई S22 अल्ट्रा में देखने को मिल रहा है, वो भाई है मेंटेनेंस मोड, जो कि भाई बहुत ही अच्छा खासा फीचर है, जो कि भाई वीवो ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। डेफिनेटली उनके वीडियोस को जाकर देख सकते हो, क्योंकि भाई वीवो में एक्चुअली में ये प्रमोशन वीडियो नहीं होगा। यही था फुल रिव्यू ये One UI 5.0, क्या कुछ इस One UI 5.0 में नया देखने को मिला है, ठीक है। आप बताना डेफिनेटली आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में, और भाई कौन सा फीचर आपको सबसे बेस्ट लगा और कौन सा फीचर आप यूज करना चाहते हो सैमसंग के फोन में। तो आप मेरे को डेफिनेटली ट्विटर में फॉलो कर सकते हो @IAMTechnoProbo के नाम से, और आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो @TechnoProbo के नाम से, वहां पे मैं हमेशा अपडेट्स वगैरह देता रहता हूं टेक के रिगार्डिंग। और आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं हमेशा रिप्लाई वगैरह देता रहता हूं। अगर आपको कोई भी अपने फोन से शिकायत है या फिर कुछ भी शिकायत है, आप डेफिनेटली मेरे को वहां पे जाकर मैसेज कर सकते हो। सो गाइस, मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आंसू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।